सुना है कि एक स्टार मेकर होता है, टैलेंट मेकर होते हैं, तो हमारे साथ हैं सैयद फाहद जो कि एक टैलेंट मेकर भी हैं, टैलेंट्स को काम भी दिलवाते हैं, उनकी पीआर मैनेज भी करते हैं, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा काम किया है इन्होंने, 30 से ज़्यादा इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ के साथ इंटरव्यू कर चुके हैं, 400 से ज़्यादा इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर चुके हैं और खुद भी एक्टर रह चुके हैं, प्रोडक्शन भी कर चुके हैं, एज ए प्रोड्यूसर भी काम कर चुके हैं। अगर शायद मैं इनकी डिटेल बताना शुरू करूँ तो शायद सेगमेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन इनकी डिटेल खत्म नहीं होंगी, तो आइए इनकी ज़ुबानी ही सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोले। वालेकुम सलाम, थैंक यू। इसरा हसन, आपने देखा एज ए ग्रेट टैलेंट। यस, आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आते हैं कि आप इनके लिए मैनेज करें, मीडिया कोऑर्डिनेट करें, क्या फ़ायदा होता है इन्हें? देखें, टैलेंट अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा कंसर्न ये है आर्टिस्ट के साथ कि वो एज एन आर्टिस्ट वो कहते हैं हम क्रिएटिव आपको मटेरियल दे सकते हैं, आप हमसे जितना क्रिएटिव काम करवाएं हम वो कर सकते हैं, बट आप जहाँ उनसे मार्केटिंग की बात करते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको फोटे नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है उसका उनका बैकग्राउंड नहीं है, एजुकेशन उस तरह की नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए वो टैलेंट मैनेजर और पीआर मैनेजर बेहतर रहता है। और इसी वजह से आप देखें अभी पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड पीआर एजेंसीज हैं, टैलेंट एजेंसीज हैं जो टैलेंट को प्रमोट करिए और मैनेज करिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में थोड़ा डिलेमा हमारा ये है कि वो एजेंसीज मुश्किल से एग्जिस्ट करती हैं और जो एग्जिस्ट करती है उनके पास काम इतना नहीं आता क्योंकि आर्टिस्ट समझते हैं कि जी मेरी पीआर मैं खुद मैनेज करूंगा। तो यू आर अ वन मैन आर्मी या फिर एजेंसी है आपकी अपनी? नहीं, आई एम वन मैन आर्मी, बट ये ओके मेरे पास फिर डेडिकेटेड लोग हैं जो मैं रिसोर्स करता हूं, आउटसोर्स करता हूं। आपकी रिसोर्सेज ज्यादा हैं अकॉर्डिंग टू दैट आप काम करते हैं। बहुत सारे फाद ऐसे भी लोग होते हैं, अपकमिंग टैलेंट होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हु आर मेकिंग इट देयर, वो पहला कदम उठा रहे हैं और उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपकी पीआर सर्विसेज की। हाउ डू यू कन्विंस देम? एक्चुअली देखिए, हमारे पास एक तो अभी जो सवाल है उसका मैं थोड़ा सा डिटेल में जवाब देना चाहता हूँ। एक तो टैलेंट हमारे पास बहुत है और फिर हमारे पास अननेसेसरी टैलेंट भी बहुत है। अननेसेसरी टैलेंट मतलब कि आप देखिए, हर घर में एक फोटोग्राफर मौजूद है, एक व्लॉगर मौजूद है, एक म्यूजिशियन मौजूद है, ये पहले सिनेरियो नहीं था। जिस टाइम की आप बात करिए उस टाइम पर रियल टैलेंट था और उस वक्त रियल टैलेंट था। तो आप अभी क्या है कि अभी हर बंदा समझता है कि मैं एक सुपरस्टार हूँ, मैं एक व्लॉगर हूँ, मैं एक मीडिया स्टार हूँ, मैं टिकटॉकर हूँ, जो भी है। तो वो एक बड़ा गलत डिलेमा हमारी जो इंडस्ट्री और हमारा जो पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है। दूसरा ये कि जो हमारा मेन टैलेंट है जो आप समझते हैं जो हमारे गांव देहात वगैरह में है उनको तो एक्सपोजर ही नहीं है, उन तक तो आप पहुंच भी नहीं पाए। जो कोक स्टूडियो वगैरह ने किया था वो उन्होंने कोशिश की थी उन तक पहुँचने की, बट उसमें भी उन्होंने पूरा टैलेंट नहीं लेकर आया। और वो लोग को क्या है, वो मैंने जैसे बात की पहले, वो क्रिएटिव लोग हैं, वो कहते हैं कि हमसे आप गाना गवाओ, हमसे आप म्यूज़िक करवाओ, आप हमसे ये मत करवाओ कि आके मैं चैनल पर। अब जैसे मैं इंटरनेशनल बहुत सारे आर्टिस्ट का जानता हूँ जो चैनल पे इंटरव्यू नहीं देना चाहते, वो कहते हैं यार मुझे इंटरव्यू और मीडिया के सामने मत लाओ, मैं आपको परफॉर्मर हूँ, मुझसे आप परफॉर्म, मैं बहुत बड़े नाम की बात कर रहा हूँ जो मैंने रियल, मुझसे कह रहे हैं यार मुझे कहाँ तुम इंटरव्यू पे लेके जा रहे हो यार, मुझसे मत, अगर हटा सकते हो बचा सकते हो, क्योंकि उनको वो शौक नहीं है कि मैं मीडिया पे आऊँ इंटरव्यू दूँ। कहते हैं मेरा गाना काम है, मुझसे म्यूजिक करवाओ, बस मेरी आवाज़ है, बस मेरी बस आवाज़ है मुझे लोगों से। और वो बंदा है ही ऐसी, आपने उनको जितने शोज देखे हैं, आप नाम ले सकते, मैं ले सकता हूँ, अरिजीत सिंह का मैंने बहुत काम किया है, बहुत हम्बल आदमी है और मैंने शायद ऐसा टैलेंट नहीं देखा। वो आम लोगों से भी इंटरेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ म्यूजिशियंस के साथ इंटरेक्ट करता है, नॉर्मल ड्रेस में रहता है, स्लीपर्स में रहता है, बहुत डाउन टू अर्थ अपने काम, और वो कहता है कि मुझसे म्यूजिक करो, और वो लिटरली पूरे दिन बैठ के म्यूजिक करता है शो में। तो जी मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे आजकल टिकटॉकर्स की बात करें, हम व्लॉगर्स की बात करें, तो जैसे आपने कहा कि हर घर में एक टैलेंट बैठा है, वो अपने आप को सुपरस्टार समझता है, तो इन लोगों ने ऐसे टैलेंट हैं जो एक्चुअली हमारे रियल टैलेंट हैं उनको कितना डिमोटिवेट किया है या डिमोरलाइज किया या उनकी जगह जो है वो हटा दी है, जी ये क्या इम्पैक्ट आया इसका हमारी सोसाइटी पे? बहुत ज़्यादा, और ये हमेशा से है। मैं ग्रोन अप, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया बैक इन 2002, तो मैं देखता था उस टाइम हमारे इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे पाकिस्तान के अंदर भी, और आप बाहर की बात करें जैसे मैं पाकिस्तान में बात करूँगा, कवि साहब थे आपके, फिर वो फिरदौस जमाल साहब हैं, तो ये जो हमारे इतने अच्छे अच्छे टैलेंट थे उनको वो प्लेटफॉर्म या उनको वो मैं समझता हूँ मकाम नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था या है अभी भी। माशाल्लाह ये लोग हयात है और अल्लाह ज़िंदगी दे। मैं कहता हूँ जो टैलेंट है ना हमेशा हमारे पास, और इसमें लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स हैं, और मैं हमेशा ये देखा है अभी जैसे अभी रिसेंटली अफजाल अहमद साहब का इंतकाल हुआ, जिस सूरत हाल में हुआ मुझे देख के अफसोस हुआ, शर्मिंदगी भी हुई कि हम लोग टैलेंट को कहीं पर मैनेज नहीं करते, कोई बॉडी नहीं है हमारे पास, कोई अथॉरिटीज़ नहीं है जो रिस्पेक्ट करें, जो शायद दूसरी कंट्री में बहुत फैसिलिटीज़ होती है, और इसी वजह से आप देखें हमेशा एक अच्छे टैलेंट की फॉलोइंग हमेशा से कम है। बात ऐसा जो नया टैलेंट है वो आपकी सर्विसेज से कैसे फ़ायदा उठाए? देखिए नया टैलेंट में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, जैसे हसन ने भी बात की कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और बहुत डरे हुए क्योंकि इतना टैलेंट है, वो कहते हैं कि अगर मैं थोड़ा बहुत जो मैंने सेविंग की हुई है या पेरेंट्स के मेरे पास पैसे हैं मैं वो लगा दूँ
प्रमोशन पे अपनी और इन्वेस्ट करूँ अपने आप पे, तो मेरे पास बचेगा ही नहीं कुछ। और मैं अगर नहीं मशहूर हुआ उसके बाद, फर्ज करें मैंने गाना बनाया, तो पहले तो ये था आप देखें आर्टिस्ट गाने पे गाने रिलीज़ करते थे, वो ये नहीं सोचते थे कि मैं मशहूर होऊंगा नहीं होऊंगा, वो बस रिलीज़ कर रहे थे। और पहले तो प्लेटफॉर्म कम थे, आसान ने तो कहा पहले, अभी प्लेटफॉर्म नहीं, अभी तो मैं समझता हूँ कि इतने प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास और आपका अपना सेल्फ प्लेटफॉर्म है, आप अपना यूट्यूब खुद चैनल बना के गाने डाल सकते हैं सोशल मीडिया। पहले तो आर्टिस्ट के पास को जब मैंने काम किया तो उस वक्त तो यूट्यूब भी मुझे पता नहीं था, मुझे मेरे किसी बंदे रिलीज करवाने के लिए रिकॉर्ड कंपनी से जाके डील करनी पड़ती थी। और टीवी पे अगर आपने काम किया तो वो सीडी के लिए आप 20-25 दिन तो सिर्फ भागते थे डायरेक्टर के आसपास, सर मुझे एक मेरा काम की वो देने सीडी दे रहे दिखाना है, क्योंकि वो रहता था वो टीवी पे एक दिन आता था, फिर रिपीट टेलीकास्ट अगले दिन हो गई, किस्मत से हो गई और खत्म। आपके पास ना मोबाइल होते थे आप रिकॉर्ड करें, ना आप VHS पे रिकॉर्ड कर सकते, वो आप एडिटर की और डायरेक्टर की। डोंट यू थिंक इस टेक्नोलॉजी के जमाने में आपकी जरूरत कम पड़ गई अब? नहीं, देखिए हर चीज़ की ज़रूरत हमेशा होती है और उसका एसेंस हमेशा होता है, बट ये है कि अभी लोग सेल्फ प्रमोशन खुद कर रहे हैं, सेल्फ मैनेज खुद कर रहे हैं, उनके अपने प्लेटफॉर्म है, उनके भाई उनको मैनेज कर रहे हैं, आसिम अज़हर की बात हुई उनके भाई उनको मैनेज कर रहे हैं, सजाद अली साहब की बात करूँगा तो एक टाइम तक सजाद अली साहब खुद अपने आप को मैनेज कर रहे थे, अगर कोई क्वेरी होती थी वो खुद मैनेज करते थे। तो इस तरह का जो ट्रेंड है फैमिली में, राहत फतेह अली को उनके पहले उनके फैमिली में ही मैनेज करे चलो, तो वो लोग समझते हैं कि हमारी फैमिली में लोग मैनेज करेंगे, एक प्रोफेशनल को काम देना वो समझते हैं कि पता नहीं शायद हमारा बिजनेस ले जाएगा, हमारा काम ले जाएगा, बट ऐसा नहीं है, प्रोफेशनल एजेंसीज हैं। बट हमारे यहाँ वही है ना कि हमारे यहाँ सब बंदे अपने आप को सबसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं और दूसरे पर रिलाय और सिर्फ उर्दू जबान में ही नहीं, काफी लैंग्वेजेस में, पश्तो, बलोची और इन जबानों में भी गाने गाते हैं। तो हसन आप गिटार प्ले करें और फहद मैशअप हो जाए कोई, ट्राई कर ले कर सकते हैं। तो हमें स्टार्ट करते हैं आतिफ की कहानी। झूला झूलाए ये पनघट नदिया, किनारे ये आंगन निंदिया, तू आना हवा के संग मुझको भी तू दिखाना अपने संग, सुनो मेरे दिल जानी ये कहानी मानी, एक दिन मेरे संग ये जहां मेरा कुछ और तेरा भी अरमा, जाने दिल में क्या कुछ ये बसा, ये मेरी कहानी। पश्तो में भी कुछ हो जाए जी, बीबी शीरीन कर सकते हैं, मुश्किल होगा करें चले। मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दे चले, आप हसन को एक हसन आप गाना गा लें चले। नहीं मैं बीबी बहन को बोला था किस तरह से हम कर सकते हैं। अच्छा, जी बीबी शीरीनी जरगुली रबासिबा, आप भी साथ गाएं ना जुड़ा लसुना बीबी शीरीनी। बाद आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे नए आने वाले टैलेंट को, किस तरह से उन्हें अपनी पीआर और डिजिटल मीडिया मैनेज करना चाहिए? देखिए मैं सबको नए पुराने सबको ये कहूँगा कि जी जो मेहनत कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस से मेहनत करें, डाइवर्ट ना हो चीज़ों को लेके, लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, रुक जाते हैं सफ़र में अपने, कोई भी जर्नी आप स्टार्ट करें तो उसको एंड तक लेके जाएं, उसमें रुकावटें आती हैं, किसी की ज़्यादा आती हैं किसी की कम आती हैं, और कोई बहुत लकी होते हैं इनकी कुछ भी नहीं आती, तो ये मत सोचें कि इनकी कोई नहीं आई तो आपकी क्यों आ रही है, अपनी जर्नी कंटिन्यू करें और उस पर आप जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं टाइम पैसा, क्योंकि वही आपकी eventually aapko pay off karega at some point. Thank you so very much guys for coming on our show, it was a pleasure talking to you Hasan and Fahad.